हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिर से एक बार क्लास टेंथ के पॉलिनोमियल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाने जा रहे हैं। एंड आपके जो बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स जो डिफाइंड है एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इफ इट इज गिवेन दैट द जीरोज आर इन एपी। आपको इसमें एपी जानना जरूरी है कि एपी क्या है। अगर थ्री टर्म्स थ्री जीरोज होगा, सबसे पहले तो ये कि इसका जो क्या कहते हैं डिग्री है थ्री है, ये एफ एक्स जो है वो डिग्री थ्री है, डिग्री थ्री पॉलिनोमियल, डिग्री थ्री पॉलिनोमियल दैट मीन्स इनके थ्री जीरोज होंगे, थ्री जीरोज। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगले जो चैप्टर एक एपी है अरिथमेटिक, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो जब थ्री जीरो रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो उसका फॉर्म क्या होगा। आपने देखा भी होगा किसी एक क्वेश्चन में थ्री जीरोज इन एपी बी ए माइनस बी ए और ए प्लस बी। ऐसा इसलिए मानते हैं कि जब देखिए सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो आता है ए माइनस ए प्लस बी यानी बी आता है, और थर्ड टर्म ए प्लस बी में जब सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो भी बी आता है, यानी एक कांस्टेंट आता है। तो इसलिए हम इस चीज को बता दिया यहां, फिर अगले चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको पढ़ेंगे। सो इट शुड बी नोटिस हियर। नाउ आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट थ्री जीरोज इन एपी ऑफ फंक्शन एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स जो एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28b ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। अब इसका मतलब हुआ कि यहां से अगर इनके थ्री जीरो अल्फा है बीटा है गामा है, सपोज कि ये अल्फा एक्ट एज बीटा एक्ट एज गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, और इस तरह से बी बी कैंसिल थ्री ए। जबकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस और बी यहां क्या है माइनस 12 बाय ए 1, दैट मींस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 3 4 जार हमारे पास a आया 4। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है, जहां अल्फा क्या है हमने यहां दिखाया है कि देखिए अल्फा है ए माइनस बी और बीटा है ए और गामा है ए प्लस बी, दैट मीन्स ये माइनस और डी क्या है तो माइनस 28 बाय वन। अब यहां से हम ए के लिए वैल्यू पुट करते हैं जो 4 माइनस बी है, यहां 4 है और यहां 4 प्लस बी है, ये 28। अब ये 4 7 जा, ये अगर 4 4 से डिवाइड करो ऑन डिवाइडिंग 4 बोथ साइड बाय 4, अब ये देखिए ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7,
फोर स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर जो 7 आ रहा है, तो बी स्क्वायर आ गया 16 माइनस 7, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 7 9, एंड नाउ बी इक्वल्स टू प्लस माइनस यहां डाला जाता है रूट अंडर 9, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। फिर बी टू, देर आर टू केसेस क्रिएट। एक तो है कि अगर b प्लस 3 लेते हैं, b इफ b को हम प्लस 3 लिया तो जीरोस क्या आएगा, a माइनस बी, जिसका वैल्यू देखिए a के लिए 4 आया, 4 माइनस 3 ये 1 आया, और दूसरा a जो 4 है, और तीसरा a प्लस बी जो 4 प्लस 3 है 7। और इफ b जो है माइनस 3 लिया तो a माइनस बी, a माइनस बी आया, a मीन्स 4 और माइनस माइनस प्लस 3 यानी 7, फिर a इज इक्वल टू तो 4 ही आएगा, और a प्लस बी दैट मीन्स 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, दैट मीन्स जीरोज आर आइदर 3, 1, 7 और 7, 4, 1 7, 4 यहां भी 1, 4, 7 1, 4, 7 दिस इज रॉन्ग। 1, 1 आया फर्स्ट 0 क्योंकि a माइनस बी था, फिर a इक्वल टू 1, 4, 7 और इसी का रेसिप्रोक ये रिवर्सिंग ऑर्डर आएगा 7, 4, 1 देखिए 7, 4, 1 7, 4, 1 सो आंसर कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ अल्फा बीटा गामा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर माइनस 1 प्लस बीटा नेगेटिव पावर 1 प्लस गामा नेगेटिव पावर 1। तो आते हैं और सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल है उसको कंसीडर करते हैं। लेट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ओके इज इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। जैसा कि दिया है कि अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा आर इट्स 3 जीरोज, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। और ऑन दिस बेसिस वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बाय ए। यहाँ माइनस बी क्या है देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पे माइनस 3/6, 3 1 जा 3 2 जा माइनस 1/2। अगेन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये हो जाएगा सी बाय ए। यहाँ सी क्या है, सी है माइनस 5/6। अगेन है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज, ये माइनस डी बाय ए जो होता है माइनस और डी है 1/6। अब हमारा जो ये क्वेश्चन दिया है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप उसको लिखते हैं। अल्फा नेगेटिव पावर 1 प्लस बीटा नेगेटिव पावर 1 प्लस गामा नेगेटिव पावर 1 जो होता है 1/अल्फा यानी रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा प्लस रेसिप्रोकल ऑफ बीटा प्लस रेसिप्रोकल ऑफ गामा। हियर वी टेक आउट एलसीएम ऑफ अल्फा बीटा गामा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा कैंसल अल्फा बीटा गामा बच जाता है, जिसे 1 से मल्टीप्लाई करो बीटा बीटा कैंसिल अल्फा गामा एंड गामा गामा कैंसिल अल्फा बीटा,
जैसे सिक्वेंस में लिखते हैं तो अल्फा बीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बाय अल्फा बीटा गामा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके वैल्यू दिए हुए हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जिसके -5/6 हैं एंड अल्फा बीटा गामा के वैल्यू -1/6 हैं, जो रिजल्ट आ रहा है -5/6 इंटू -6/1, ये माइनस माइनस प्लस 5। सो द आंसर इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। दिस सेज फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स एक्स क्यूब प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r में बी इन ap। जैसा कि ap के बारे में बताया गया तो ap में जीरोज को लेते हैं, तो लेट 3 जीरोज इन ap b a माइनस बी ए एंड ए प्लस बी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस आर। सो वी हैव टू ऑब्जर्व दैट दिस वन इज अल्फा बीटा एंड दिस इज गामा। नाउ हेयर वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, हेयर b इक्वल टू -3p/a1 -3p, बट अल्फा इक्वल टू a माइनस बी प्लस बीटा a गामा a प्लस बी। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ b we get 3a equal to -3p, cancellation of 3a equal to -p. Now a is one of the zero, so f a equal to 0. Why? Since a is 0 of polynomial f of x, that's why we find the value of f a. This is a cube plus 3px² plus 3q into a plus r is equal to 0. So here a f a equal to 0, but in place of a we put, since a equal to minus p, so this becomes minus p whole cube plus 3p into minus p whole square plus 3q minus p plus r equal to 0, because a equal to minus p. Here minus p cube, minus cube minus and minus square plus, so plus 3p cube माइनस 3pq प्लस r इज इक्वल टू 0. 3pq माइनस pq, हेयर 2pq माइनस 3pq प्लस r इक्वल टू 0. नाउ यू सी कि कंडीशन यू हैव टू फाइंड, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. This is the required condition. Students, आप देख रहे हैं कि question number 4 है. Once again, in this series of very important question solution,
जिसमें ये कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी आर इन ए पी, सो यू हैव टू प्रूव टू बी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी. नाउ हेयर सॉल्यूशन विच इज बींग प्रोवाइडेड फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट फंक्शन इन एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी, एंड लेट इट्स थ्री जीरोज बी ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी विच आर इन ए पी, विच आर इन ए पी. नाउ वी हैव टू नो दैट द सम ऑफ, सपोज दिस इज अल्फा, दिस एक्ट्स एज बीटा, दिस एक्ट्स एज गामा. हेयर ए एक्ट्स एज ए, थ्री बी एक्ट्स एज बी, थ्री सी एक्ट्स एज सी एंड डी एक्ट्स एज डी. एंड यू नो दैट द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स ए माइनस बी, हेयर इज अल्फा ए बीटा ए प्लस बी गामा. एंड यू नो माइनस बी बाय ए, दैट मीन्स माइनस थ्री बी बाय ए, हेयर माइनस बी प्लस बी कैंसिल एंड वी गेट आफ्टर कैंसिलिंग थ्री ए इक्वल टू माइनस थ्री बी बाय ए, नो प्रॉब्लम, थ्री थ्री कैंसिल एंड वी हैव ए इक्वल टू माइनस बी बाय ए. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए भी इसका एक जीरो है, बीटा बीटा ए है, दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एफ ए इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम हियर, बट इन प्लेस ऑफ ए वी हैव टू राइट माइनस बी बाय ए. दिस मीन्स एफ माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू जीरो, सो यू हैव टू फाइंड एफ माइनस बी बाय ए, दैट मीन्स एफ माइनस बी बाय ए, एफ माइनस बी बाय ए. सो इन दिस सॉरी इन दिस फंक्शन वी हैव टू, इन दिस फंक्शन वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स एज माइनस बी बाय ए. सो एफ माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू, हेयर यू ए माइनस बी बाय ए होल क्यूब, ए माइनस बी बाय ए होल क्यूब प्लस थ्री बी माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी माइनस बी बाय ए इन प्लेस ऑफ एक्स प्लस डी. ओके, सो हेयर वी राइट जीरो इन प्लेस ऑफ एफ माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू ए एंड माइनस बी क्यूब, दैट मीन्स माइनस हियर बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस, सो दिस बिकम्स प्लस थ्री बी स्क्वायर इन टू बी बी क्यूब, थ्री बी क्यूब बाय ए स्क्वायर एंड हेयर प्लस एंड माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री बी. वी हैव टू टेक आउट एलसीएम, वी गेट ए क्यूब, एलसीएम ए क्यूब. सो इन दिस वे ए क्यूब, नो दिस मे बी कैंसल ए स्क्वायर, सो हेयर यू कैन टेक ए स्क्वायर एलसीएम, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए, हेयर ए क्यूब एंड ए, वन ऑफ द ए कैंसल्ड फ्रॉम ए क्यूब एंड वी गेट ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर ए एंड वन. ओके, सो सिंपली ए स्क्वायर इज द एलसीएम ऑफ दिस होल
एंड वी गेट हेयर माइनस बी क्यूब ओके एंड ए स्क्वायर दैट मीन्स प्लस थ्री बी क्यूब ओके माइनस थ्री ए बी सी एंड प्लस ए स्क्वायर डी. नाउ लीव दिस प्लेस एंड वी राइट वी यूज दिस प्लेस टू सॉल्व द क्वेश्चन. वी टेक दिस स्पेस ओके सो ए स्क्वायर इंटू जीरो दैट मीन्स जीरो. यू ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री बी क्यूब माइनस बी क्यूब टू प्लस में बी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी माइनस थ्री ए बी सी एंड प्लस ए स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर डी. सो वी हैव टू बी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू जीरो. यू सी है टू बी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी थ्री ए बी सी प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू जीरो. सो इट हैज बीन प्रूव्ड स्टूडेंट्स एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड ओके. सो स्टूडेंट्स इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू गिव यू द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव. If the zeros of the polynomial in function f in variable x is defined x cube minus 12x square plus 39x plus k, then zeros are in AP, find k. So, in all three questions in the last related to the AP, first we have to write here solution. पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ, फिर पॉलिनोमियल एफ एक्स लिख देता हूँ. एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस के एंड थ्री जीरोज होगा, डिग्री थ्री है. सो थ्री जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एफ ऑफ एक्स b a minus b a and a plus b okay in AP जैसा कि हमने बताया. तो ये अल्फा के रोल में है, ये बीटा के रोल में है और ये गामा के रोल में. हमें k का वैल्यू निकालना है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाय माइनस 12 बाय 1. अल्फा मीन्स हुआ ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, जिसका वैल्यू 12 आया. माइनस बी प्लस बी कैंसल, 3 ए इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 बाय 3 जो 4 आया कैंसल होकर के. बट वन ऑफ द जीरो है ए. अगेन ए जो है ना इज वन ऑफ जीरो ऑफ एफ एक्स. दैट मीन्स हम यूज कर सकते हैं क्या कि एफ ए एफ ऑफ ए दिस इज जीरो. नाउ एफ ऑफ ए दैट मीन्स जीरो इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस 39 ए प्लस के ओके. सो जीरो इक्वल टू ओके ए क्यूब 12 इंटू दिस ए वैल्यू ऑफ ए पुट. तो ए का वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब माइनस 12, 4 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 4 प्लस के. हेयर वी पुट a is equal to 4 okay. So in this space I am using the solutions part, remaining solutions part.
जीरो इक्वल टू 64, फोर क्यूब 64, फोर स्क्वायर 16, 16 टू जा 32 एंड 3, 16 टू जा 16, 3 19 एंड प्लस 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 3 156 प्लस के नाउ 0 इज इक्वल टू ये 64 10, 56 11, 112 112 माइनस 192 प्लस के वी गेट के प्लस 10 में 2 8 एंड 11 में 9 2 इज इक्वल टू 0. सर के इज इक्वल टू माइनस 28. ओके सो दिस इज द आंसर एंड आंसर हैज बीन completed now.